मुजाहरीन की नमाज जनाजा में हवाई फायरिंग का मामला, पुलिस की लापरवाही से हिकमत अमली सामने आ गई। नमाज जनाजा में शरीक 3 SP, सैकड़ों पुलिस अहलकार मुंह तकते रह गए। पुलरवान का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इलाके में शदीद खौफ हरास, सूरत हाल फिर कशीदा। 2 रोज कबल फायरिंग से 5 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। सानिया है पुलरवान में खून की होली खेलने वालों की तफसीलात लाहौर न्यूज पर। मरकजी मुल्ज़िमान इफ्तिखार अली और जहांगीर की तस्वीर, शनाख्ती कार्ड और मुकदमात की तफसीलात मौसूल। मुल्ज़िम इफ्तिखार अहमद रिकॉर्ड याफ्ता, 2015 में नाजायज असलहे का मुकदमा भी दर्ज हुआ। मुल्ज़िम बल्दियाती इंतखाबात में वाइस चेयरमैन का उम्मीदवार था। पुलिस का 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का दावा। मुल्ज़िमान के नाम ECL में शामिल करने के लिए FIA से राबता। इकबाल एयरपोर्ट पर हजाज की तैयारी, फोर्स टेक ऑफ के दौरान हादसा। कौमी एयरलाइन की परवाज PK2057 के इंजन से परिंदा टकरा गया। परिंदा टकराते ही जहाज का इंजन बंद हो गया। पायलट ने कमाल महारत से टेक ऑफ की बजाय इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दी। बोइंग 777 के 4 टायर जोरदार धमाके से फट गए। मुसाफिरों की चीखें निकल गई कलमा तैयबा के विर्द। कौन होगा पंजाब का सुल्तान, फैसला ना हो सका। पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने में सिर्फ 6 रोज बाकी। आईनी तौर पर इलेक्शन के बाद 21 रोज में अराकीन का हल्फ लेना लाजम। पंजाब असेंबली का इजलास 13 या 14 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। असल जंग पंजाब में है जो सबने मिलकर लड़नी है। पंजाब का वजीर आला शफाफ और रिकॉर्ड वाला नौजवान होगा। जिन लोगों को टिकट्स नहीं दिए वो आजाद हैसियत में कामयाब हो गए। अगले इलेक्शन में टिकट देने का अमल बेहतर करना होगा। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी से खिताब, कहा कि तहरीके इंसाफ को एक इदारा बनाना चाहता हूं। NA 131 में दोबारा गिनती के लिए हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हल्के में वोटों की दोबारा गिनती रोक दी। एक बार जो नतीजा आ गया वही हतमी है, जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। PTI के वकला ने रिटर्निंग अफसर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया। आने से वासे हो गया सारी दाल ही काली है। इमरान खान ने अपनी बोकस कामयाबी की असलियत खुद ही बता दी। इमरान जुड़ वजीर आजम और उनकी हुकूमत धांधली की पैदावार होगी। साद रफीक का ट्वीट, सुप्रीम कोर्ट का गिनती रोकने का हुक्म इलेक्शन एक्ट से मुतसादम है। NA 131 में मैंडेट चोरी हुआ, हमें कानूनी हक से महरूम कर दिया गया। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। तीन बार गिनती के बाद भी साद रफीक नाकाम हुए, जिद छोड़कर फैसला कबूल करें। सुप्रीम कोर्ट का दोबारा गिनती मुअत्तल करने का हुक्म खुशाइंद है, फवाद चौधरी का ट्वीट। ख्वाजा साद रफीक ने खुद 5 साल स्टे ऑर्डर पर गुजार दिए, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं, हक और सच की फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शोएब सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ की भी असेंबली जाने की राह हमवार हो गई। हाईकोर्ट ने उस्मान डार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
जस्टिस मामूनुर रशीद ने तहरीक इंसाफ के उस्मान डार की दरख्वास्त पर समाप्त की। जीत की खुशी में हवाई फायरिंग और मुबैना पुलिस पर तशद्दुद का मामला। पीटीआई के 9 मुंतखब एमपीए नदीम बारा की 8 साथियों समेत जमानत मंजूर। केस की समाअत जज इकबाल वड़ाइच ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत नंबर 3 में की। मुलजमान की 50,000 मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। जमानत हासिल करने वालों में मलिक जहांगीर बारा, जुल्फिकार बशारत, मंजूर तैयब और अली इमरान भी शामिल। छप्पन कंपनियों में मुबैना करप्शन का मामला। नैब ने अहद चीमा की फैमिली की जायदादों का रिकॉर्ड एफबीआर से तलब कर लिया। अहद चीमा की बीवी साइमा अहद, बेटे ईसा अहद और मुस्तफा अहद का रिकॉर्ड मरतब किया जाने लगा। अहद चीमा के भाई, बहन और वालदा के रिकॉर्ड की भी छानबीन। एफबीआर आइंदा हफ्ते रिकॉर्ड नैब को फराहम करेगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर की सजाओं का मामला। केस की समाअत करने वाला हाई कोर्ट का फुल बेंच टूट गया। बेंच के सरबराह जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जाती वजूहात पर दरखास्त की समाअत से माजरत कर ली। नया बेंच तश्कील देने के लिए फाइल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को इरसाल। निगरान वजीर दाखिला शौकत जावेद का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। आईजी पंजाब से मुलाकात। बोले पुलिस अफसरान अवामी खिदमत के जज्बे से फराइज अंजाम दें। बर वक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। निगरान वजीर आला पंजाब से भी मिले। यौम आजादी की तकरीबात की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम पर ब्रीफिंग। मिशन ब्यूटीफुल लाहौर मॉल रोड पर कूड़ा करकट और थूक फेंकने पर राहगीर समेत 21 दुकानदारों को जुर्माने। 1000 रुपए के 21 चालान एलडब्ल्यूएमसी ने किए। फूड अथॉरिटी की शहर भर में कार्रवाइयां। भोगेवाल में मारूफ कोफ्ता फैक्ट्री सील। कोफ्तों की तैयारी में गंदे बर्तन और इस्तेमाल शुदा बदबूदार तेल इस्तेमाल किया जा रहा था। 4000 तैयार नाकिस कोफ्ते और खाम माल बरामद। खाड़क नाले पर केचप प्रोडक्शन यूनिट सील। 900 किलो तैयार केचप, 360 किलो मायनीज, भारी मकदार में खाम माल बरामद। चुंगी अमर सद्दू में दाता चिकन सेल सेंटर को नाकिस सफाई पर सर्वे मोहर कर दिया। लोहे की कीमतों में अदम इस्तेहकाम, ताजर सर पकड़ कर बैठ गए। मिस्री शाह के ताजरों का हंगामी इजलास। सदर लोहा मार्केट आमिर सदीक बोले फर्नस मिल्स के ठेकेदार अफवाहें फैलाकर कारोबार तबाह कर रहे हैं। लोहे की कीमतों में इस्तेहकाम ना आया तो 15 रोज के लिए मार्केट बंद कर देंगे। डीएसपी ट्रैफिक शेखपुरा और लीगी एमएनए के गार्ड्स का रिक्शा ड्राइवर पर मुबैना तशद्दुद। दवा में रिक्शा यूनियन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। पुलिस और लीगी एमएनए के खिलाफ नारेबाजी। इमरजेंसी कॉल पर पुलिस का फौरी एक्शन। लड़के को खुदकुशी से बचा लिया। क्रीम ब्लॉक में घरेलू झगड़े पर 15 साल अब्दुल रहमान की छत से कूदकर खुदकुशी की कोशिश। डॉल्फिन फोर्स ने कार्रवाई करते हुए लड़के को पकड़ लिया। जश्न आजादी की खुशियां, रंगारंग तकरीबात और 13 और 14 अगस्त की रात आतिशबाजी का मुजाहरा होगा। कमिश्नर की जीरे सदारत यौम आजादी की तैयारियों से मुतालिक इजलास। शहर में बड़े पैमाने पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात के इनेकाद का फैसला। रेलवे ने यौम पाकिस्तान का अहम इवेंट फरामोश कर दिया। 14 अगस्त पर आजादी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी, सिर्फ रेलवे स्टेशन को ही सजाया जाएगा। हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के
बचा के बस इतना कहने रहे शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा शुक्रिया पाकिस्तान शुक्रिया पाकिस्तान। यौम आज़ादी की खुशियां हर सू सब्ज परचमों की बहार मिली नगमों की गूंज बाजारों में गहमा गहमी कौमी परचम झंडियों और स्टिकर्स की खरीदो फरोख्त में इजाफा गणपत रोड पर लगे स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों का रश। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कयाम पाकिस्तान के हवाले से तस्वीरी नुमाइश चीफ सेक्रेटरी पंजाब अकबर हुसैन दुरानी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत खूबसूरत रंगों से जिदोजहद आज़ादी की कमाल मंजर कशी हाजरीन ने तालाबा की महारत को खूब सराहा। कुर्बान की आमद एक से बढ़कर एक जानवर मंडी में मोटे ताजे और तगड़े जानवर गाहकों के मुंतजर लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मनपसंद जानवर खरीदने लगे। शाही कला की तारीखी हैसियत बहाल करने का मंसूबा वॉल सिटी अथॉरिटी के तहत शाही कला के सब्जाजार और सहन में मुगलिया दौर के रवायती पौधे और घास लगाने का अमल शुरू। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में लीडरशिप के मौजू पर सेमिनार मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की शिरकत मुकर्रदीन ने यूनिवर्सिटीज में लीडरशिप के प्रोग्राम को लाजिम करार दिया। मिसाली दरसगाह में दाखिला तलबा खुशी से निहाल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में दाखिलों की पहली मेरिट लिस्ट आवेजा तलबा का तालीमी मैदान में आला कारकर्दगी दिखाने का अज़्म। पंजी कुत्ते हो या पंजाब कुत्ते ओए 20 गार्ड हो या 20 लाख का ओए अभी अंदर जा और उठा कर ले आओ उसे इधर। और नामवर अदाकार महमूद असलम के एजाज में लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में तकरीब हाजरीन महमूद असलम के चुटकुलों लतीफों और फिल्मी डायलॉग सुनकर लोट पोट होते रहे।